Hello friends, welcome again. Today I am going to discuss very important topic from the exam point of view. देखिए मेरा topic है simple interest. Simple interest easy topic है, लेकिन generally इसे easy topic इसलिए है क्योंकि आसानी से निकल जाता है. इसके मुकाबले जो compound interest है थोड़ा सा different topic होता है, ठीक है. लेकिन फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट को और बहुत इजी बनाया जा सकता है. आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं. आपको सिर्फ टाइम बचाना है, आपको सिर्फ टाइम देखना है, आप टाइम कैसे सेव करते हैं. तो आज मैं डिस्कस करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट के बारे में क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, क्या क्या इसमें टर्म्स यूज होती हैं और किस प्रकार क्या ट्रिक यूज़ करके सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को बहुत ईजी बना सकते हैं हम, बहुत ज़्यादा ईजी. आप देखेंगे ट्रिक तो आप लगभग आप देखेंगे बहुत जल्दी बना लेंगे आप इससे, ठीक है. चलिए मैं लेट्स स्टार्ट. ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं SI, ठीक है SI सिंपल इंटरेस्ट. SI में SI का एक फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लीकेशन R मल्टीप्लीकेशन T डिवाइडेड बाय 100. ये होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू. हमें फॉर्मूले पे नहीं जाना है. मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया फॉर्मूला, ठीक है. फॉर्मूला इसलिए लिखा है ताकि आप P समझ जाएं क्या होता है, R समझ जाएं क्या होता है, T समझ जाएं क्या होता है एंड SI क्या होता है, ठीक है ना. सबसे पहले मैं बात करता हूँ P की. P क्या होता है, सपोज ये मानिए कि आपने कहीं से 1000 रुपये बोरो किए. क्या किए, कहीं से 1000 रुपये बोरो किए या फिर किसी को 1000 रुपये लेंट किए, किसी को 1000 रुपये उधार दिए. सपोज आपने किसी को 1000 रुपये दिए, उधार दिए या कहीं से उधार लिए, ठीक है ना. सपोज हमने 1000 रुपीज़ कहीं से उधार लिए, तो वो जो 1000 रुपये जो हमने लिए हैं वो हमारा क्या होगा, P, ठीक है. ज़रूरी नहीं कि वो आप पे आपसे इंटरेस्ट ना ले. जनरली कई लोग इंटरेस्ट पे देते हैं तो वो आपसे क्या लेगा, उस पे इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट जो लेगा वो किसी ना किसी रेट से लेगा. कहने का मतलब है 1000 रुपये आपने सपोज एक साल के लिए लिए हैं, उस पर वो क्या कहेगा, भाई मैं तुम्हें 1000 रुपये दे रहा हूँ लेकिन मुझे 1000 जब मैं वापस लूँ तो मुझे 1000 नहीं चाहिए, मैं इस पर कुछ इंटरेस्ट लूँगा आपसे. तो वो जो इंटरेस्ट लेता है, जिस परसेंटेज से वो इंटरेस्ट लेता है वो होती है R. सपोज R मान लेते हैं 10%. आपने 1000 रुपये लिए, उस पर 10% आपको ब्याज देना पड़ेगा. और आपने टाइम होता है कितने साल के लिए आपने वो पैसे लिए. सपोज मान लेता हूँ आपने एक साल के लिए, 1 ईयर के लिए जो आपने बोरो किए वो हुआ P, जिस रेट पे बोरो किए वो हुआ 10% यानी R, जितने समय के लिए हुए लिया वो हुआ T यानी टाइम, ठीक है फ्रेंड्स. और इस 1000 रुपये पे 10% से एक साल के लिए जो ब्याज बैठेगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट. क्या होगा फ्रेंड, सिंपल इंटरेस्ट, बिल्कुल. चलिए निकाल लेते हैं 1000 रुपये, इसी में रख देते हैं 1000 रुपये. R कितना है, 10%. P कितना है, 1 ईयर अपॉन 100. दिस कैंसिल आउट विद दिस एंड द 100. कहने का मतलब क्या है कि 1000 रुपये अगर बोरो करते हैं तो एक साल बाद जब देंगे तो कितने देने पड़ेंगे उसे, 100 रुपये साथ लगा के, यानी एक साल बाद जब आप वापस करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 तो उसे वापस करने ही पड़ेंगे प्लस 100 रुपये भी उसे वापस करने पड़ेंगे. क्या फ्रेंड, इसे रफ कर देता हूँ मैं. जब एक साल बाद पैसा वापस करने जाएंगे तो 1000 तो देंगे ही देंगे प्लस 100 रुपीज उसे इंटरेस्ट का भी देंगे, जो आपका इंटरेस्ट बैठा. तो कर लेते हैं, 1000 रुपये हमारे पास क्या था, P प्लस 100 रुपये क्या था हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स. इक्वल्स टू ये क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगी हमारे पास अमाउंट. क्या बनेगा, अमाउंट. अमाउंट कितनी आई, 1100.
आया फ्रेंड समझ में? इजी क्या था इसमें समझने के लिए कि कितने आपने उधार दी लिए और उस पे कितना ब्याज दिया, दोनों को ऐड करके आ गया अमाउंट। ये फॉर्मूला कहीं से नहीं बना है, सिंपल सा बात समझिए। 1000 रुपये किसी को किसी से लिए हैं, उस पर 100 रुपये ब्याज देना है, यानी जब हम 1100 रुपये उसे देंगे तो वो हमारा पास क्या होगा, अमाउंट। अगर मैं से हिंदी वाले अगर बच्चे देख रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, उसको बोलते हैं मिश्र धन, अमाउंट को बोलते हैं मिश्र धन, इसको बोलते हैं पी को मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं साधारण ब्याज, यानी मूलधन प्लस ब्याज इक्वल टू मिश्र धन, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो बात हो गई हमारे पास समझने की, टर्म्स को समझने की, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, इस वाले मेथड से भी सॉल्व करके दिखाऊंगा और जो मेथड जो ट्रिक हमने बनाई है उससे भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, देखिएगा आपको किससे ईजी लगता है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, लिखा हुआ है फाइंड, मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज लिख रहा हूँ ताकि आप जैसा एग्जाम में आती है, फाइंड SI ऑन रुपीज 5000 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम फॉर 5 years, ठीक है फ्रेंड्स, 5% पर एनम फॉर 5 years, ठीक है फ्रेंड्स। सिंपल इंटरेस्ट में एक बात और बता दूं आपको, ये जो SI लगता है, सिंपल इंटरेस्ट में एक और बता दूं, सिंपल इंटरेस्ट हर ईयर में एक जैसा होता है। कहने का मतलब है हम प्रीवियस एग्जांपल में जैसे हमने देखा कितना आया था, 100 रुपये पहले साल के लिए, अगर वही पैसा अगर हम 2 साल के लिए लेते तो उस पर 100 रुपये और ऐड आ जाता, 3 साल के लिए लेते तो 100 रुपये और ऐड आ जाता। कहने का मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल एक जैसा चलता है, उसमें कोई चेंज नहीं आ जाता जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज ना आए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए खैर इतना ध्यान रखिएगा, ये आपको जब मैं CI का बताऊंगा आगे आने वाली मेरी वीडियोस में तो उसमें आपको मैं दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। चलिए खैर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करने, पहले हम अपना सिंपल फॉर्मूले से करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है SI इक्वल टू P मल्टीप्लीकेशन R मल्टीप्लीकेशन T डिवाइडेड बाय 100, ऐसे आप लिखेंगे। देन आप सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है, क्या दिया हुआ है हमें, फाइंड SI, वही हम निकाल रहे हैं, ऑन रुपीज 5000, यानी 5000 पे कितना, सिंपल मैंने आपको बताया था जो रुपए आप लेते हैं वो क्या होता है, P ऑन रुपीज जिस पे निकालने हैं ये है P एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, इंटरेस्ट का रेट क्या है, यानी आर कितना है हमारे पास 5%, टी कितने साल के लिए, 5 years के लिए, तो 5 upon 100, दिस कैंसिल आउट विद दिस, तो SI कितना आ गया हमारे पास 5 5 25 125 0, यानी कितना आया हमारे पास SI 1250 हमारे पास SI आ गया 1250। चलिए ये तो हो गया फॉर्मूला मेथड, ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब करते हैं ट्रिक, ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल एक जैसा रहेगा, बिल्कुल पहले साल एक्स है तो दूसरे साल भी एक्स रहेगा, तीसरे साल भी एक्स रहेगा, चौथे साल भी एक्स रहेगा, पांचवें साल भी एक्स रहेगा, रहेगा फ्रेंड्स, पहले साल एक्स, दूसरे साल एक्स, तीसरे साल एक्स, चौथे साल एक्स, पांचवें साल एक्स। कितना ब्याज की दर कितनी है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, वो भी 5% ही रहेगा। तो क्या करना है हमने, जितना है 5% पर एनम कितने साल का है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है मल्टीप्लीकेशन बाय जितने साल का है, ये करो आप, क्या करेंगे, सीधा आपने देखना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% पर एनम और कितने साल का है 5 ईयर का, तो 5 मल्टीप्लीकेशन 5 कितना 25% ऑफ P इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट,
25% of 5000 upon 100. This cancel out with this, and this cancel out is 1250 equal to SI. चलिए रिपीट कर देता हूं मैं आपको, यहां पे करके दिखाता हूं मैं आपको ट्रिक से कैसे करते हैं. मैंने आपको बताया हर साल एक जैसा रहेगा सिंपल इंटरेस्ट. तो आपने जब भी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए, आप हमेशा क्या देखें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और कितने साल का है, दोनों की सीधा मल्टीप्लीकेशन करके फॉर्मूले में नहीं रखेंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 5%. कितना है, 5%. 5% है 5 सालों का, तो कितना हो गया, 5 मल्टीप्लीकेशन 5, 25. अब ये 25 क्या होगा, 25% ऑफ पी, 25% ऑफ पी. इसको आप ट्रिक को याद रखिए, मैं इस ट्रिक को वापस भी रिपीट करूंगा जब मैं SCI का एग्जांपल आपको समझाऊंगा. 25% ऑफ पी यानी 25% किसका होगा, पी का. पी क्या है, 5000. तो 25% किसका, 5000 का अपॉन 100. दिस कैंसिल आउट विद दिस, तो 25 मल्टीप्लीकेशन 5 कितना आता है, 25 मल्टीप्लीकेशन 5 कितना, 125 अर्जी. वो आप निकालते पी आर टी लगाते, देन उसमें 5 और 5 रखते, आपने सीधा करना है 5 मल्टीप्लीकेशन 5, 25, 25 किसका, 5000 का, 25% ऑफ पी. यह याद रखें, रेट मल्टीप्लीकेशन टाइम ऑफ पी, पी का होता है. ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा फ्रेंड जब आप आगे के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस निकालेंगे. ऐसे लेवल के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं आते, लेकिन बेसिक के लिए बहुत जरूरी है. बेसिक आपका यहीं से मजबूत होता है. चलिए मैं एक और बताता हूँ आपको. हमें कहा गया है, हमें दिया हुआ है पी इक्वल टू 2000, आर दिए हुए है मेरे पास 4%, टाइम दिया हुआ है हमारे पास 2/2 years. ये दिया हुआ है हमारे पास टाइम, ठीक है फ्रेंड्स. ये आपने सॉल्व करना है, जल्दी से बना लीजिए इसका आंसर, देन उसके बाद देखते हैं आपका आंसर सही है नहीं सही. जल्दी से सॉल्व कर लीजिए इसका, क्या आंसर आएगा. फॉर्मूले मत जाइएगा, ट्रिक से जाइएगा, जैसे मैंने आपको बताया इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कर दीजिएगा जल्दी से. देखिए कैसे, 4% है कितने का, 2.5 साल के लिए. तो यानी पहले आप 2 साल का कर लो, 2 साल का कितना होगा, 4 × 8 प्लस, भाई जब 1 साल का 4% पर एनम है, जब 2 साल का 8 हो गया तो 1 साल का कितना होगा, 4 एक साल का, तो आधे ईयर का कितना होगा, 2 + 2 8 + 2 कितना आ गया, 8% + 2% कितना हो गया फ्रेंड, 10% 10% किसका, पी का, 10% ऑफ पी. पी कितना है, 2000 / 100. दिस कैंसिल आउट विद दिस, तो कितना आ गया, 200. सिंपल सा बात है, वही आप फॉर्मूले में रखते फिर 2, 2 + 4 और 1, 5 करते तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ता. इसलिए बोलता हूँ कि कंसेप्ट को समझिए, फॉर्मूलोज को नहीं, ठीक है ना. कंसेप्ट ये है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर पहले साल x है, दूसरे साल x है, ठीक है ना, तो यानी क्या आ रहा है, और तीसरे साल कितना है, हाफ ईयर यानी 1/x रहेगा. तो पहले कितना है हमारे पास, 4%, दूसरे साल कितना, 4% प्लस हाफ ऑफ x, x की जगह क्या रखे थे, 4. अब कितना रखेंगे, हाफ ऑफ x यानी 1/2 मल्टीप्लीकेशन 4. दिस कैंसिल आउट विद दिस, कितना आ गया, 2. 4 × 4 = 8 + 2 कितना, 10% फ्रेंड्स. ये जो ट्रिक है ये जनरली ट्रिक नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक जैसा रहता है. इसलिए जितने भी साल का आपको दे रखा हो आप उतने साल जी लीजिए. यहाँ पे 2 साल दे रखा था तो 4 और 4 = 8 और आधे साल का दे रखा, तो नहीं आधे का कितना हो गया यार बस, 2 4% दे रहा है उसको आधा कर दो 2. सिंपल सा कंसेप्ट है फ्रेंड्स, ठीक है. जब आप सफिशन प्रैक्टिस करेंगे तभी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे. एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं फ्रेंड्स जो इसमें बहुत हेल्पफुल होगा आपका. कह रहा है हमें पी दिया हुआ है 450, SI दिया हुआ है कितना, 81, इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट का रेट
4.5%। टी निकालना है हमें, हमें टी निकालना है। चलिए हम टी को ले लेते हैं, लेट एक्स ईयर्स, क्या निकालना है हमें, टी, टी को मैंने क्या ले लिया, एक्स ईयर्स। चलिए जब मैंने टी को एक्स ले, ये इंटरेस्ट नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी को मैंने क्या ले लिया, एक्स। मैं क्या बोलता हूँ, मैंने अपने तरीके में आपको बताया कि जो आर है उसका टी से मल्टीप्लाई कर दो, 4.5 किससे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आया 4.5x। सिंपल सी बात है, आप फॉर्मूला लगा ही मत। देन उसके बाद 4.5x, 4.5x परसेंटेज, क्योंकि हमें टी निकालना है, मल्टीप्लीकेशन पी, पी कितना है 450, इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट 81। अब सॉल्व कर दो उसको, ये 10 आ गया, यह 100 होता है हमारे पास, परसेंटेज है तो हमने 100 नीचे लगा लिया, ठीक है। देन दिस कैंसिल आउट विद दिस, 9, 5, 5, 25 डिवाइडेड बाई 100, यानी x डिवाइडेड बाई 4, यानी x इक्वल टू 4 ईयर्स, x इक्वल टू 4 ईयर्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना इजी हो गया ये ऐसे कटा है फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख सकते हैं कितना इजी हो गया एक क्वेश्चन जो लैंग्वेज में दिया हुआ था उसे बनाना, ठीक है ना। अगर आपको x टी नहीं दिया हुआ तो उसको एक्स मान लो, अगर आपको रेट नहीं दिया हुआ है, सपोज आपको यहाँ पे रेट नहीं दिया होता, सपोज टी दिया होता था 4 ईयर, आपको रेट नहीं दिया होता तो आप क्या मानते, एक्स प्लस एक्स 4 ईयर्स में होगा, तो क्या होता है बस जो भी होगा हमारे पास, सपोज वो एक्स होता तो वो कितना होता है, एक्स 4x हो जाता, सिंपल से चार बार जोड़ा उसे 4x हो गया, परसेंटेज अपने आप में निकल आती, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आप इसकी की प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरीके को अपला के, कि आप जब भी करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल कैसा रहता है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है फ्रेंड्स। जितने भी साल का हो प्लस आपने एक्स करते जाना है, जितने भी साल का हो, चाहे वो 10 साल का हो 15 साल का हो, एक जैसा ही रहेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट है, बहुत इजी कंसेप्ट है फ्रेंड्स, बहुत इजी, बस जस्ट प्रैक्टिस करें आप, जो आर दे रखी हो उसको उसमें कन्वर्ट कर लें, आर और टी का दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, आर एंड टी किसका परसेंटेज होगा, ये पी का, इक्वल टू ऐसा ही फॉर्म आ, तो आप ऑटोमेटिकली कहाँ पे रहे हैं, फॉर्मूले में रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपकी स्पीड कवर हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए खैर प्रैक्टिस करते रहिए, मैं अपनी फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए और किसी डिफरेंट टॉपिक्स की, जाते जाते एक ट्रिक सुनते जाइएगा, ये ट्रिक मैं एडिशनल वीडियो में बना सकता लेकिन ये हेल्पफुल बहुत होती है हमारे इस क्वेश्चन को करते हुए। कभी भी अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, क्या चीज, किसी भी चीज को 11 से मल्टीप्लाई करना है, सपोज 22 मल्टीप्लीकेशन 11, को किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 से, तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, 2 को ऐसे ही लिख दें, फिर इन दोनों का एडिशन 4, देन लास्ट में कितना है 242। चलिए एक और लेता हूँ, 45 मल्टीप्लीकेशन 11, तो पहली डिजिट कितनी है 5, देन इन दोनों का एडिशन कितना 9, और देन ये 4, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट 67 मल्टीप्लीकेशन 11, फर्स्ट कितना है, फर्स्ट डिजिट कितनी है 7, देन दोनों का एडिंग कर दें, 7 और 6 13, कैरी कितना 1, 6 और 1 7, ठीक है फ्रेंड्स। कीप प्रैक्टिसिंग, डेफिनेटली आपका सॉल्व होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।